गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट वन फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट भी आ गई है। 1 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है, वो अलग बात है कि कॉलेज बंद है और 30th तक, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन एग्ज़ाम कराने के बारे में फ़िलहाल अभी कहा गया है और डेट शीट भी दे दी गई है। मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम होंगे भी, आपने न्यूज़पेपर में देख भी लिया होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको पूरा आप रिवाइज़ करिए। ऑफलाइन आते तो ऑफलाइन रिवीजन होता, और ऑनलाइन है तो उसमें रिवीजन हो जाएगा इस वीक में, कोई ऐसी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, कुछ एक दो चीज़ें अगर आपको, एक दो टॉपिक्स अगर नहीं भी हैं तो वो इस वीक में आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। आज मैंने जो है वैक्टर्स के रिविज़न के लिए आज का लेक्चर रखा हुआ है। वैक्टर्स, वैक्टर एलजब्रा, कुल मिलाकर के 11 क्लास का पार्ट है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट है और इससे काफ़ी कुछ आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो वेक्टर किनको के, वेक्टर और स्केलर दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया पहले ही है। आज हम इसमें रिवीजन में कुछ न्यूमेरिकल्स थ्योरी जो रिवीजन है पूरा वो आपको बताएंगे। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उनको स्केलर्स बोलेंगे। जैसे कि मास ऑफ ए बॉडी 5 kg है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम स्केलर कहेंगे। जैसे मान लिया हमने, सपोज वर्क डन 50 joule पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में नहीं होता तो इसको हम स्केलर कहेंगे। वेक्टर्स किसको बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन हो, यूनिक डायरेक्शन हो, एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंट बदले, क्षण बदले और डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लिया सर्कुलर मोशन है तो कंटिन्यूअस अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती रहती है। अगर स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन है तो डायरेक्शन सेम बनी रहती है, लेकिन एक ही इंस्टेंट पर एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाएगी, ये भी पॉसिबल हो। जिस समय घड़ी में 4 बजा हुआ है और ये भी पॉसिबल हो डायरेक्शन किसी फिजिकल क्वांटिटी की, उसको फिर हम वेक्टर नहीं बोलते। ये बात समझ में आ गई। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिक डायरेक्शन हो तो उसको वेक्टर कहा जाएगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है। देखिए वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड स्केलर है, जबकि वेलोसिटी को कैसा माना गया है, वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी हम मानते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। लेकिन अगर यही बात आप केवल मैग्नीट्यूड ले लें तो उसको हम स्पीड कहेंगे। क्लियर। एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एक वेक्टर को हमने इससे रिप्रेजेंट किया, मान लो एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे, तो जो टॉप पे एरो बना हुआ है ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो इसकी लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। इन जनरल हम डायरेक्शन के लिए इस तरह का फिगर बनाते हैं, एक तरीके से ये वर्टिकल बोर्ड है, अगर आप मोबाइल को ऐसे रख लेंगे हॉरिजॉन्टल तो ये ऐसे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, आप यहां पर खड़े हो गए। क्लियर, ये आपकी पोजीशन है, ये अगर आप ऐसे रखेंगे तो ऐसे। अब आप किसी एक डायरेक्शन को ईस्ट मान लें, सपोज इसको ईस्ट मान लिया तो ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। स्टैंडर्ड डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और ये आपकी पोजीशन है। क्लियर है, इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। एग्जैक्टली एट 45 degree विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट एज वेल एज नॉर्थ, इसको साउथ वेस्ट कहते हैं, वेस्ट साउथ भी कह सकते हैं, कोई ऐसा इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं और इसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, ईस्ट साउथ भी कह सकते हैं। कुल मिला के 4 की जगह 8 डायरेक्शन हो गए, स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। अगर आपको कभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना हो किसी वेक्टर को तो आप इस फिगर का यूज कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप ईस्ट को ऐसे ही दिखाएं, ईस्ट को इधर इधर या इधर किसी भी डायरेक्शन में आप शो कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब देखिए, मान लो आपसे यह कहे कि 50 km/h एक कार की वेलोसिटी है टुवर्ड्स साउथ, तो देखिए 50 km/h उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जिसको स्पीड भी कहते हैं, और टुवर्ड्स साउथ का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन ये है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, लेट 5 km/h इज इक्विवेलेंट टू
1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू, बिकॉज 5 किलोमीटर पर आवर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ऐसा लगेगा जैसे किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर सेम होते हैं। ये इक्विवेलेंट का मतलब रिप्रेजेंटेशन है। हम 5 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर मान लें, 10 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर मान लें, 2 किलोमीटर पर आवर को एक, ये स्केल है। और उसके बाद क्या करें, 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, 5 किलोमीटर पर आवर 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचें, 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन, और डायरेक्शन उसकी रखें साउथ के टूवर्ड्स, ये साउथ है, यहां से एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट मान लिया और वहां से 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन जब ड्रॉ किया तो ये किसके बराबर हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर, और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। हम डायरेक्शन को डॉटेड आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड को डार्क फॉर्म में आगे, इसकी लेंथ जो होगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगी, और जो ऐसे टॉप बना हुआ है जहां से अब आप डॉटेड आगे कर रहे हैं, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये पर्टिकुलर एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, किसी वेक्टर में उसकी लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होगी और जो टॉप पे एरो बना होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। अब देखिए जरा, जैसे आपसे कहा जाए समेशन ऑफ टू वेक्टर्स, समेशन ऑफ टू वेक्टर्स, सारे टॉपिक्स पहले से ही आपको मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो आपके लिए केवल एक रिवीजन है, और आप चाहें तो डिटेल में भी उसको पढ़ चुके होंगे या पढ़ सकते हैं, तो वो आपके पास वीडियो ऑलरेडी है, प्लस में ऑफलाइन जब आप आ रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग भी बताया गया है। समेशन ऑफ टू वेक्टर्स, देखिए ध्यान से, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर मान लो ये है बी वेक्टर। पहली बात तो ये कि अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब दो दो चीजें दी हुई हैं हर वेक्टर में, दोनों वेक्टर में उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है जो उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट होगा, और जो डायरेक्शन दी होगी टॉप से, तो वो पर्टिकुलर हम ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन, क्लियर है? दो वेक्टर को सम, और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा, हम ये कह सकते हैं एक की डायरेक्शन ये और एक की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल कितना, अल्फा। ये जो फिगर मैंने बनाया ये केवल डायरेक्शन के लिए बनाया, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मतलब दो वेक्टर्स की डायरेक्शंस के बीच का एंगल। सम करने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर ड्रॉ करते हैं एप्रोप्रिएट लेंथ में, ये वेक्टर ड्रॉ किया, उसके टॉप से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं इन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन, दैट इज ये एंगल अल्फा और ये इसकी डायरेक्शन, इसीलिए डॉटेड बनाना जरूरी है। आप इस एंगल को अल्फा नहीं कह सकते, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मतलब दो वेक्टर की डायरेक्शंस के बीच का एंगल, और डायरेक्शन ये है फिर ये है। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टॉप ऑफ सेकेंड वेक्टर आर ज्वाइंट टूगेदर विच विल गिव यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दो वेक्टर का सम है। ये एक वेक्टर है इसकी डायरेक्शन गिवन है, ये दूसरा वेक्टर है इसकी डायरेक्शन गिवन है, और ये तीसरा वेक्टर आ गया एक तरीके से, दोनों का सम मतलब तीसरा वेक्टर सी वेक्टर। इसको हम आर वेक्टर भी कहते हैं, या तो हम इसको अच्छा होगा कि सी वेक्टर ना लिख करके आर वेक्टर लिखें। जिस तरह से ए वेक्टर में दो चीजें हैं उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन, बी वेक्टर में दो चीजें हैं उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन, उसी तरीके से आर वेक्टर में भी दो चीजें होंगी उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ये देखिए मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई और डायरेक्शन मतलब ये एक मेथड है, इसको याद करिए, मैंने बताया होगा लॉ ऑफ ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल के मेथड से दो वेक्टर का सम करते हैं। और यही अगर पैरेललोग्राम थ्योरम से हम इसका सम करेंगे तो देखिए क्या बताया गया, ट्रायंगल थ्योरम में ये बताया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वेक्टर इज ड्रॉन इन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन विद एप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड, फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर विल बी ड्रॉन इन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन विद एप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस के बीच का एंगल अल्फा। नाउ द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द टॉप ऑफ सेकेंड वेक्टर आर ज्वाइंट टुगेदर टू गिव द समेशन ऑफ टू वेक्टर्स और द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का सम उनका रिजल्टेंट भी कहलाता है, ये लॉ ऑफ ट्रायंगल है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में बताया गया एक ही पॉइंट से इन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन ये ए वेक्टर दैट इज
ए वेक्टर, नाम कुछ भी डाल दें, जैसे ओ एक्स डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ एक्स वेक्टर दरअसल ए वेक्टर है, मतलब ओ एक्स उसकी लंबाई है जो कि ए के बराबर है और डायरेक्शन उसकी ये है। इसके बाद बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन ये, एक ही पॉइंट से दोनों को बना दिया, ये एंगल अल्फा, दोनों की डायरेक्शंस के बीच का एंगल अल्फा। एंड नाउ बाय टेकिंग द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम लाइक ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इट इज कंप्लीटेड। और ये मान लो ओ एक्स है, ये मान लो ओ वाई है, ये मान लो ओ जेड बनाए, उसी सेम पॉइंट से आप ये बना दीजिए डायोगनल। ये डायोगनल रिप्रेजेंट करता है आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। आपको डिटेल में भी मालूम है लेकिन पेपर ऑब्जेक्टिव होना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। कोई ना कोई क्वेश्चन ये समेशन ऑफ टू वेक्टर से आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर 100 क्वेश्चन भी होंगे तो उसके अकॉर्डिंग वेक्टर से काफी कुछ आपसे पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है। ए वेक्टर इज गिवन टू यू, इट मींस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन इज गिवन। B vector is given to you means its magnitude and direction is given to you. The angle between the directions of these two vectors is alpha, which is also given to you. Aim क्या है? Summation of two vector, दो vector का sum भी एक vector होगा, r vector. इसमें भी दो चीजें होंगी, r vector का magnitude होगा unknown है, r vector की direction होगी unknown है। तो देखिए ध्यान से, r vector का magnitude मतलब केवल r बराबर, आज प्रूफ करने का टाइम नहीं है, प्रूफ ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आज देखिए क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस अल्फा। इससे क्या पता चला कि जो समेशन ऑफ टू वेक्टर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड दो दिए गए वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, एक चीज। दूसरी बात, उनके बीच का एंगल मतलब उनकी डायरेक्शंस के बीच का एंगल क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। तो r बराबर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस अल्फा। उसी तरीके से डायरेक्शन, अब देखिए a वेक्टर की डायरेक्शन गिवन है, b वेक्टर की डायरेक्शन गिवन है, तो जो r वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन, देखिए अननोन डायरेक्शन हमेशा एक तो एंगल के फॉर्म में निकाली जाएगी, दूसरी बात किसके रिस्पेक्ट में एंगल निकालोगे, एंगल तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा, किसी के सापेक्ष होगा। तो एंगल डायरेक्शन के लिए हम वही निकालेंगे जो नोन डायरेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में। नोन डायरेक्शन कौन कौन सी है, ए वेक्टर की डायरेक्शन आपको गिवन है मतलब नोन है, बी वेक्टर की डायरेक्शन आपको गिवन है मतलब नोन है। अंडरस्टूड है कि आपको जो आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है वो या तो ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में निकालनी है या फिर बी वेक्टर के रिस्पेक्ट में। सपोज आर वेक्टर की डायरेक्शन ये, ए वेक्टर के साथ भी थीटा एंगल है और बी वेक्टर के साथ, सॉरी ए वेक्टर के साथ थीटा एंगल है, बी वेक्टर के साथ एंगल अगर आप बनाना चाहते हो तो अल्फा माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये थीटा आर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। टेन थीटा बराबर होता है बी साइन अल्फा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फा। इसका मतलब जो डायरेक्शन है आर वेक्टर की वो भी अल्फा पर डिपेंड करेगी, साथ में ए और बी पर डिपेंड करेगी। ए और बी क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, अल्फा क्या है दोनों दिए गए वेक्टर्स मतलब गिवन वेक्टर्स हैं उनके बीच की डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल, उनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल। दैट इज ये आपका फार्मूला नंबर टू है। एक चीज और, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगी और सम करोगे तो भी वेलोसिटी आएगी। अगर ये लीनियर मोमेंटम है तो ये भी लीनियर मोमेंटम है, आर वेक्टर भी एक तरह का लीनियर मोमेंटम आएगा। याद रखेंगे समेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, एक ही बात है, दो वेक्टर का रिजल्ट मतलब कुल मिलाकर के कितना काम करेगा। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट या समेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी के हों। ऐसा ना हो कि एक वेलोसिटी है और एक लीनियर मोमेंटम है, एक फोर्स है
और दूसरा मान लिया एक्सीलरेशन है, तो एक फोर्स और एक एक्सीलरेशन का सम या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। समेशन या सब्ट्रैक्शन केवल और केवल हो सकता है किसका, सेम फिजिकल क्वांटिटी का। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का ना समेशन पॉसिबल है, वो चाहे स्केलर में ले लो चाहे वेक्टर में ले लो, दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो डायरेक्शन इस फार्मूले से, मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से, इसकी लंबाई इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन गिवेन, इसकी डायरेक्शन गिवेन, आर वेक्टर की लंबाई, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर की डायरेक्शन, ए वेक्टर के साथ थीटा, तो टेन थीटा बराबर इतना। अगर आप यही थीटा यहां मान लेते, क्योंकि थीटा तो वेरिएबल है, थीटा अगर इधर मानते तो क्या आता, ए साइन अल्फा अपॉन बी प्लस ए कॉस अल्फा, ये पर्टिकुलर टेन थीटा का फॉर्मूला आपको मिलता। इज दैट क्लियर? तो ये आपका था समेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखिए जरा, अगर आपसे यही कहा जाए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, जबकि दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी के होने चाहिए, समेशन या सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी का होता है, चाहे वो स्केलर में हो चाहे वो वेक्टर में हो, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का न समेशन पॉसिबल है न सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, जैसे मान लो एस वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्लियर है, एस वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, मींस वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ वेक्टर समेशन। किसी वेक्टर में माइनस लगने का मतलब क्या होता है, किसी वेक्टर में माइनस लगने का मतलब उसकी वैल्यू जीरो से कम होना नहीं है, किसी वेक्टर में माइनस लगने का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन का रिवर्ट कर जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर विल बी ड्रॉन ट्रायंगल मेथड, जो मैंने पहले ही बताया ओ एक्स हो गया और ये उसकी डायरेक्शन हो गई, ट्रायंगल मेथड यही तो था। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर यहां से ट्रायंगल मेथड में यही तो बताया गया था, ट्रायंगल मेथड में पहला वेक्टर ड्रॉ करिए ए वेक्टर, उसके टॉप से माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करिए। देखो ध्यान से, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, हालांकि ये थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि जितना बड़ा है उसी के हिसाब से बनाएंगे, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, तो माइनस बी वेक्टर ऐसे बनाएंगे, ऐसे ये डायरेक्शन, ये क्या चीज है, बी वेक्टर माइनस में, तो क्या चीज माइनस में है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं उसकी डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, बी आएगा, लेकिन डायरेक्शन ये, अगर ये एंगल अल्फा था ही, ए वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर के बीच की डायरेक्शन का एंगल अल्फा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, अगेन ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद क्या करें, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टॉप ऑफ सेकंड वेक्टर आर जॉइन टुगेदर विच विल गिव ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कैसे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर का सम, बी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ऐसी सिचुएशन में टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और टॉप ऑफ सेकंड वेक्टर को ज्वाइन कर दीजिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यही अगर आपको एस वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना हो तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेक्टर ड्रॉ करिए इस तरीके से, ये क्या लिखा हुआ है, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, यानी आपको करना समेशन है, पहले बी वेक्टर ड्रॉ करिए और उसके टॉप से माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर अगर ऐसा है तो माइनस ए वेक्टर उधर। इज दैट क्लियर? एक चीज और समझ लो, मान लो इसको डैश मान लें, तो आप ये बात जान लो एस वेक्टर का मॉड बराबर एस बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एस वेक्टर डैश का मॉड बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, याद रखेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कैसा होगा, सेम, ये याद रखने का फैक्टर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कैसे, ध्यान से देखिए, एस डैश वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर माइनस का एस वेक्टर, एस डैश वेक्टर किसके बराबर है, माइनस एस डैश वेक्टर माइनस एस वेक्टर के बराबर है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन कैसी आएगी, अपोजिट।
जबकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देखिए जरा, इसी को अगर हम पैरेललोग्राम मेथड से ही करें, एक ही बार में समेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को हम एक बार में करें अगर, तो देखो एक बार में कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर ड्रॉ करें, पैरेललोग्राम थ्योरम में एक ही फिगर में दोनों चीजें आ जाएंगी। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वेक्टर, दैट इज योर ए वेक्टर फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट इज योर बी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, एंगल दोनों के बीच का अल्फा। नाउ द पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड, ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज मैंने ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए, ये ओ एक्स था, ये ओ वाई था, और ये बन गया ओ जेड, और ये ओ जेड क्या आया बताइए, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दोनों वेक्टर के टेल से जो डायगोनल बनाया जाएगा उस डायगोनल को आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहेंगे। अब देखना ध्यान से, ये बी वेक्टर का टॉप है, ये ए वेक्टर का टॉप है। अगर हम बी वेक्टर के टॉप से ए वेक्टर के टॉप को जोड़ दें तो ये भी एक डायगोनल है, ये डायगोनल है एस वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जिसके टॉप को मिलाओगे, ए वेक्टर के टॉप को मिलाया, जिसके टॉप से वेक्टर बनाओगे उसको घटा दिया जाएगा, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और अगर यही उल्टा बनाए, मतलब वाई एक्स वेक्टर वाई एस वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। उल्टा बनाए एक्स वाई वेक्टर, अगर एक्स से वाई की तरफ वेक्टर बनाओगे तो ये आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दोनों की लंबाइयां कैसी? सेम, मतलब मैग्नीट्यूड कैसा? सेम। इसको कह दो एस वेक्टर, इसको कह दो एस डैश वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? एक्स वाई बराबर वाई एक्स, लंबाइयां सेम, लेंथ सेम, इंप्लाइज दैट एस बराबर एस डैश, मैग्नीट्यूड सेम। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें, दोनों के ऊपर वेक्टर लगा दें, बट एस डैश वेक्टर बराबर होता है माइनस एस वेक्टर। क्यों? मैग्नीट्यूड तो दोनों साइड से सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब हुआ ए वेक्टर के टॉप को मिलाइए बी वेक्टर के टॉप से, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मतलब हुआ बी वेक्टर के टॉप को मिलाइए ए वेक्टर के टॉप से। क्लियर है? अब आ जाइए इसके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। एस बराबर होता है, देखिए आर बराबर क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस अल्फा, ठीक है। इंप्लाइज दैट एस बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस अल्फा। कैसे? अल्फा इज रिप्लेस्ड बाई, याद करिए मैंने आपको बताया था, पाई माइनस अल्फा। अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब आप कह दो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अल्फा को पाई माइनस अल्फा से रिप्लेस करोगे तो कॉस अल्फा विल बी रिप्लेस्ड बाई माइनस कॉस अल्फा, बिकॉज कॉस पाई माइनस अल्फा जो होता है वो माइनस कॉस अल्फा के बराबर होता है, साइन पाई माइनस अल्फा जो होता है वो साइन अल्फा के बराबर। क्लियर हो गया होगा? आर बराबर ये, एस बराबर ये। अगर आप एस डैश भी निकालोगे तो वो भी आपको यही वैल्यू देगा। इसका मतलब आपके पास जो फार्मूले समेशन में थे, मैग्नीट्यूड का फार्मूला या डायरेक्शन का फार्मूला, उसमें अल्फा को खाली रिप्लेस कर दो पाई माइनस अल्फा से, बाकी बी वेक्टर को माइनस बी वेक्टर करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी होता है और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, बी होता है। अब जरा देखिए इसमें क्वेश्चन, जैसे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव की तरह है, दो लाइन में सॉल्व होता है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। द समय द मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन
एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेम, आर सेम फुल स्टॉप. द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स विल बी, द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स विल बी, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, विल बी कॉमा. उसके बाद चार ऑप्शन दिए होंगे, पाई बाई फोर, पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू, पाई, जो भी दिया हो चार ऑप्शन में. देखो बहुत सीधी सी बात है, दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आर टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है, सच दैट, थोड़ा शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो गिवन है. दोनों वेक्टर का सम किया और सब्ट्रैक्शन किया, मैग्नीट्यूड में सेम आया. दो वेक्टर है तो उनमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी. तो कह रहा है कि उनके बीच का एंगल मान लो अल्फा है, तो देखो ध्यान से, इंप्लाइज दैट अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस अल्फा बराबर एस के लिए क्या लिखे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस अल्फा. स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. स्क्वायर करने के बाद याद रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, हमने एक ही लाइन में काट दिया है, वो एक लाइन में नहीं कैंसिल होगा, पहले रूट काटिए, मतलब स्क्वायर कर दीजिए तो रूट खत्म, उसके बाद कैंसिल. इसको उधर ही ले जाइए, फोर ए बी कॉस अल्फा बराबर जीरो, ए वेक्टर का मॉड बराबर ए नॉट इक्वल टू जीरो, कोई जीरो वेक्टर तो गिवन नहीं है. जीरो वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो. बी वेक्टर का मॉड इक्वल्स बी नॉट इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा बराबर जीरो, इंप्लाइज दैट अल्फा बराबर पाई बाई टू. अल्फा क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, यानी दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. क्लियर है, तो याद रखेंगे. ये भी मैंने आपको पहले जब आपको पढ़ाया है सब्जेक्टिव की तरह पूरा, तब भी मैंने आपको ये एग्जांपल बताया हुआ, ये एग्जांपल वैसे ही इंपॉर्टेंट रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. तो जो क्वेश्चन में लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. एक और क्वेश्चन है उसको भी देखिए, लिख लो इसको, द समेशन ऑफ टू डिफरेंट वैक्टर्स, डिफरेंट का मतलब या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा या डायरेक्शन डिफरेंट होगी या दोनों डिफरेंट होंगे. द समेशन ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी एक चीज पता चल गई, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब डायरेक्शन डिफरेंट होगी. द समेशन ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज ऑलरेडी सेम, वही आ गया फिर से सेम फुल स्टॉप. द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स विल बी, इसमें भी वही पाई बाई थ्री, पाई बाई सिक्स, टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई फाइव, जो भी जैसे भी चार ऑप्शन दे दिए गए, विल बी, कोई मतलब नहीं इससे. देखिए ध्यान से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए आर गिवेन, ये बात आपको दी हुई है. सच दैट आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर का सम कर दिया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना, ए, अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क है. मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं, क्योंकि दोनों वेक्टर डिफरेंट है. दो वेक्टर डिफरेंट कब होते हैं, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या डायरेक्शन डिफरेंट हो, या दोनों डिफरेंट हो. दो वेक्टर सेम कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, या डायरेक्शन सेम हो, या फिर दोनों सेम हो. इज दैट क्लियर, इंप्लाइज दैट आर बराबर क्या फार्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस अल्फा. रख दीजिए वैल्यू सारी की सारी, आर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए,
ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस अल्फा। कैसे? ए और बी दोनों की वैल्यू को सेम रख दिया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, इंप्लाइज दैट वन बराबर, ये हमने डिवीजन वाले से कैंसिल किया हुआ है, वन बराबर कितना, टू प्लस टू कॉस अल्फा, टू कॉमन वन प्लस कॉस अल्फा, इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा बराबर माइनस का वन बाई टू। कैसे? वन प्लस कॉस अल्फा बराबर वन बाई टू, वन को घटाइए तो कॉस अल्फा बराबर माइनस वन बाई टू, इंप्लाइज दैट अल्फा बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री। कॉस अल्फा माइनस, कॉस की वैल्यू माइनस कब होती है, पाई बाई टू से आगे और पाई से पहले कॉस की वैल्यू माइनस, हालांकि पाई के बाद भी कॉस की वैल्यू माइनस होती है, पाई के बाद भी कॉस की वैल्यू थ्री पाई बाई टू तक माइनस ही बनी रहती है। कॉस अल्फा माइनस वन बाई टू, अल्फा बराबर 120 डिग्री, इज दैट क्लियर आर नॉट? और इसको अगर आप बनाना चाहें तो देखो ध्यान से, पहला वेक्टर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन से 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, दूसरा वेक्टर उतना ही बड़ा जितना बड़ा ये वेक्टर, उतना ही बड़ा ये वेक्टर, ये कौन है, बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर के बराबर। अब टॉप ऑफ फर्स्ट वेक्टर ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, ये देखिए ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, दो वेक्टर के बीच के एंगल का मतलब होता है दो वेक्टर की डायरेक्शंस के बीच का एंगल, इधर वाला एंगल 120 नहीं, इधर वाला एंगल 120, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये, दोनों की डायरेक्शंस के बीच का एंगल 120 डिग्री। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टॉप ऑफ सेकंड वेक्टर आर जॉइंट टुगेदर, दिस विल गिव आर वेक्टर। और अगर ध्यान से देखें तो ये एक राइट सॉरी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और उसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए, बी 60 डिग्री 60 डिग्री से। तो बताइए आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म करेगी, 60 डिग्री। अगर आप कैलकुलेशन में थीटा वाले फार्मूले से भी करेंगे तो भी 60 आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बोलिए समेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद देखिए अगली हेडिंग है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट दो तरह का होता है, समेशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो तरह का है, कौन कौन सा, पहला स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो गिवन वेक्टर हो, उनके बीच का एंगल गिवन हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब होता है दो वेक्टर्स की डायरेक्शंस के बीच का एंगल, ये पॉइंट ऑलवेज याद रखिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे आपसे कहा जाए कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, बताओ दोनों के बीच का एंगल क्या है, कहने लगे ये एंगल है, गलत। दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब दो वेक्टर्स की डायरेक्शंस के बीच का एंगल, और डायरेक्शन कभी छोटा छोटा करके ऐसे करके नहीं दिखाते, बड़ा करके दिखाते हैं। ये डायरेक्शन पहला वेक्टर, ये डायरेक्शन दूसरा वेक्टर, क्लियर? तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शंस के बीच का, और डायरेक्शन के लिए सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप डॉटेड उसको एक्सटेंड कर दें, ये दैट इज अल्फा। ये बात समझ आई है नहीं? तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल गिवन है, डायरेक्शंस के बीच का एंगल। दो वेक्टर गिवन होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, उनका मैग्नीट्यूड गिवन है, उनकी डायरेक्शन, जब भी कोई वेक्टर गिवन होगा तो उसका मैग्नीट्यूड गिवन होगा, उसकी डायरेक्शन गिवन होगी। अब देखिए जरा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या बन जाएगा, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा। फर्स्ट नंबर स्केलर बिकॉज केवल मैग्नीट्यूड है, स्केलर बिकॉज केवल मैग्नीट्यूड है, कॉस अल्फा प्योर वैल्यू, ये कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के कैसा हो, परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, ए वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉमा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। कब, कॉस अल्फा बराबर कॉस पाई बाई टू बराबर जीरो, लिख सकते हैं। तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, जैसे स्केलर प्रोडक्ट को डॉट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, उसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखिए कैसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन अल्फा। अगर ध्यान से देखें, स्केलर स्केलर स्केलर, जबकि हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब वेक्टर आना चाहिए, ये पूरा पूरा स्केलर और साथ में आएगा एन कैप, दैट इज इक्वल टू ए बी साइन अल्फा एन कैप। सेकेंड नंबर लिख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसके नीचे एक लाइन लिख लो, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, कॉमा विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ, विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर एक वेक्टर है, बी वेक्टर दूसरा वेक्टर है, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो तीसरा वेक्टर आएगा। अब ये वेक्टर आया है ये बात कहां दिखाई दे रही है, ये वेक्टर आया है ये बात केवल यहां दिखाई दे रही है, और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, वन के। इसमें केवल डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड इसका केवल वन होगा, इंप्लाइज दैट। अब देखिए ध्यान से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर सी, ऐसे ही मान लिया, से लिख सकते हैं इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर एक वेक्टर है, बी वेक्टर एक वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया तो एक नया वेक्टर आया, सपोज सी वेक्टर आया, इंप्लाइज दैट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए बी साइन अल्फा, केवल इतना, कॉमा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो खाली एन कैप का होगा। भाई देखिए, इतने का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिया है, एन कैप का मैग्नीट्यूड वन आ गया तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, ए बी साइन अल्फा, इंप्लाइज दैट एन कैप बराबर, एन कैप बराबर क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, आप दो वेक्टर का क्रॉस करिए और उसका, दो वेक्टर का क्रॉस करोगे तो दो वेक्टर नहीं रह जाएंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उससे डिवाइड कर दो, ये एक वेक्टर आया सी वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। याद रखेंगे एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मतलब क्लियर है क्या, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में दो वेक्टर गिवन हो और उनके परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर डिटरमिन करना हो तो हमेशा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और जो वेक्टर आ जाए उसके मैग्नीट्यूड से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड। ये मैं हट भी गया इसीलिए ताकि आप इसको नोट कर सके। अगर अब देखिए एक चीज और, इफ ये अलग इसके बाद आना चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर या जीरो। एक चीज और मैंने आपको ऑफलाइन वगैरह में बताई है क्लासरूम में कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर जीरो आ जाए
तो जीरो वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जिसको बिना वेक्टर के लिख सकते हैं। जीरो वेक्टर ना आए तो हम कहेंगे नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, लेकिन अगर जीरो वेक्टर आ जाए तो उसको जीरो लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा कभी आ जाए देन, तो ये याद रखेंगे ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। हालांकि ये बात एंटी पैरेलल के लिए भी अप्लाई हो जाती है। दो वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो हैं तो इसका मतलब पैरेलल हैं, डॉट में अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद इसी बात को आप आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में समझिए। इतना सबकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक पार्ट है इसमें, चाहे तो हेडिंग डाल लो इसमें या जिनके पास लिखा हुआ है वो केवल सुनेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ताकि डॉट और क्रॉस को दोबारा भी समझ में आए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, पहली बात लिख लो, ए वेक्टर इज ए थ्री डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। पहली बात तो ये देखो जरा ध्यान से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब जेड एक्सिस इस बोर्ड पे तो है नहीं, ऐसे है, ओरिजिन ये है, ये और आगे बढ़ा दिया इसको, जैसे ये देखिए ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0, फिजिक्स में इसको ऑब्जर्वर कहते हैं, जो चेक करेगा, ऑब्जर्वर ओ। कोई पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। इसका क्या मतलब हुआ देखिए ध्यान से, ओ पर आप खड़े हुए ऑब्जर्वर, ये x1 y1 z1 है, इसका मतलब क्या हुआ, x1 along x axis चलिए, then y1 along y axis, then z1 along z axis, पॉइंट पर पहुंच गए। ये पॉइंट है आपका ए, ए कह दो, पी कह दो, चलो पी कह दिया क्योंकि ए वेक्टर वगैरह डाल चुके हैं पहले से। तो याद रखेंगे ये ए पॉइंट की क्या है, पोजीशन है। तो याद रखेंगे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट की पोजीशन कहलाते हैं। तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, x1 y1 z1, किसने कहा है, o ने। अगर हम o से p को मिला दें, अगर हम o से p को मिला दें और इसको कहें r1 वेक्टर, तो हम कहते हैं r1 वेक्टर बराबर op वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। फिर से एक बार, अगर P पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स बताते हैं तो हम उसको पोजीशन कहते हैं, और अगर वेक्टर सॉल्व करते हैं तो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। और ये बराबर होता है x1 along x एक्सिस, y1 along y एक्सिस, z1 along z एक्सिस, जहां i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाए हुए हैं। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। पी पॉइंट की पोजीशन क्या है, x1 y1 z1, किसने देखी, ओ ने। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर, किससे रिप्रेजेंट किया जाए, यानी पोजीशन पता हो तो पोजीशन वेक्टर पता चल जाएगा, अगर पोजीशन वेक्टर पता हो तो पोजीशन पता चल जाएगी। एक दूसरा पॉइंट है क्यू, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, मिला दीजिए ऐसे करके। अब देखिए बनाना तो बोर्ड पे है लेकिन एक्चुअल में ये फिगर सबके सब स्पेस में है। तो बताइए क्यू पॉइंट की पोजीशन क्या है, x2 y2 z2, किसने कही, ओ ने। तो क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, सपोज r2 वेक्टर, तो R2 वेक्टर बराबर हो जाएगा OQ वेक्टर बराबर इज द पोजीशन, चाहे तो लिख दें पूरा, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q दैट इज इक्वल टू X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप। देखा जाए तो एक ही पॉइंट से दो वेक्टर बने, OP वेक्टर, OQ वेक्टर। क्या पता करने के लिए, P और Q की पोजीशन, मतलब P और Q का पोजीशन वेक्टर पता करने के लिए दो वेक्टर बनाए। अब देखिए अगर P से Q को मिला दें तो PQ वेक्टर बराबर
बताइए पी से क्यू को मिलाया तो किसमें से क्या घटेगा? वो अभी मैंने आपको बताया था कि टॉप से टॉप मिला रहे हो, तो टॉप जिसके टॉप को मिलाओगे उसमें से, यानी आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, यही तो अभी सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था। तो याद रखेंगे पी क्यू वैक्टर बराबर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बाद वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन में ऑलरेडी पता है। दैट इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू इसमें से इसको घटा दें, हम जानते हैं आई कैप से आई कैप के कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे कैप से जे कैप के कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, के कैप से के कैप के कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, y2 टू माइनस वाई वन जे कैप, जेड टू माइनस जेड वन के कैप, दिस इज सेड टू बी पी क्यू वैक्टर। इसको हम किस नाम से जानेंगे? पी क्यू वैक्टर के नाम से जानेंगे, पी क्यू वैक्टर इतना। और अगर आप पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड लेना चाहिए, यानी कुल मिला के दो पॉइंट्स अगर हमें पता हो, तो जिसको मिलाओगे उसमें से उसके पोजीशन वेक्टर में से, जहां से स्टार्ट करोगे उसके पोजीशन वेक्टर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पी क्यू वेक्टर निकालने का तरीका है। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में देखें तो ये बड़ा आसान काम है। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब पी क्यू लंबाई बराबर, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन क्या पता होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। कोई भी वेक्टर दो चीजें रखता है, टेल टॉप उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, टेल से टॉप की तरफ मैग्नीट्यूड और टेल से टॉप के बीच की डिस्टेंस उसका उसका मैग्नीट्यूड और टेल से टॉप की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर। अब x2 एक वैल्यू है, x1 एक वैल्यू है, तो क्या x2 माइनस x1 क्या x2 माइनस x1 लिखा रहेगा? नहीं, ये एक वैल्यू आएगी, जैसे 5 और 2 तो 3 आ जाएगा, 2 और माइनस 3 तो 5 आ जाएगा, 2 माइनस माइनस 3 दैट इज 2 प्लस 3 दैट विल बी 5, यानी कुल मिला के ये पूरा पूरा एक वैल्यू के फॉर्म में आएगा। ये वेक्टर को आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में भी लिखने का मेथड है। अब जरा देखिए दोबारा डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को दोबारा भी चेक कर सकते हैं। लेक्चर्स आपके पास हैं, जिनके पास नहीं है कोई देखना चाहे दोबारा से तो भी देख सकते हैं, अगर हैं तो ठीक है। कुछ ऐप में कल से प्रॉब्लम थी तो मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा सा उसमें शायद जियो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन वो आज सॉल्व हो जाएगी 12:00 बजे तक, मतलब अब तो टाइम हो गया। यस क्लियर है, तो उसको अब आप उसके बाद देख सकते हैं। तो जिसका भाई दबे ना खुले वेक्टर से रिलेटेड पार्ट तो मुझे अप्रोच भी कर सकता है, बात समझ आई, लेकिन ये रिवीजन बहुत जरूरी है। अब देखिए जरा ए वेक्टर, एक वेक्टर है, ए वेक्टर में क्या क्या होगा, उसका टेल होगा, उसका टॉप होगा, टेल मान लो एक्स है टॉप वाई है, तो ए वेक्टर क्या बन जाएगा, एक्स वाई वेक्टर बन जाएगा। सपोज दैट इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये एक वेक्टर है। अब बताइए जरा a1 a2 a3 का मतलब क्या है, a1 a2 a3 का मतलब हुआ इस वेक्टर के टेल से टॉप तक चलोगे, टेल से टॉप तक चले तो x एक्सिस पर आए a1, y एक्सिस पर a2, z एक्सिस पर a3, क्लियर है। इसके बाद b वेक्टर, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, इंप्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर स्केलर आएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ये पर्टिकुलर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। ए वेक्टर का मॉड क्या होगा, यानी लेंथ केवल अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री, अभी भी मैंने फार्मूले बताए हुए हैं आपको। ए वेक्टर का मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर बनाओगे उसमें टेल होगी उसमें टॉप होगा। ये देखिए ये मान लो ए वेक्टर है, तो टेल मान लो ये है एक्स, टॉप मान लो ये है वाई, क्लियर है। एक्स से वाई की ओर ये वेक्टर ए वेक्टर है, एक्स वाई की लंबाई क्या होगी, ए वेक्टर का मॉड, एक्स वाई की डायरेक्शन क्या होगी, वो पर्टिकुलर एक्स से वाई की ओर, क्लियर। और वो वेक्टर माना इस तरीके का है, बी वेक्टर माना इस तरह का है, तो ए वेक्टर का मॉड इतना, बी वेक्टर का मॉड बराबर अंडर रूट
बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं. इंप्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, मैंने क्या बताया था, मॉड ऑफ ए वेक्टर जो बेसिक फार्मूला है, मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस अल्फा. अगर आपको कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, और ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा, 90 डिग्री है या नहीं अलग बात हो गई, तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर. लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर और उसके बाद है मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर. अगर आप इसको कभी भी अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तब तो ये ठीक लिखा हुआ है, और अगर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है तो देखिए क्या आएगा, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री अपॉन अंडर रूट के अंदर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया ऊपर और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया नीचे. कॉस अल्फा की वैल्यू इस फार्मूले से भी निकल सकती है. तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. अब जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें इन्हीं दोनों वेक्टर्स की, इसीलिए मैं बीच बीच में हट रहा हूं ताकि आप इसको रोक करके भी वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद लिख सकते हैं, फिर तो आगे बढ़ सकते हैं. और अगर आपके पास लिखा हुआ है तो ये रिविजन के तौर पर है केवल. अब जरा देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर. अब देखिए जरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे डिटरमिनेंट, अगर दो वेक्टर गिवन हो तो डिटरमिनेंट बनाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री. याद रखेंगे जो वेक्टर पहला है उसके कोएफिशिएंट सेकंड रो में आएंगे, जो वेक्टर दूसरा है बाद वाला थर्ड रो. इसके बाद डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है, एकदम आसान काम है डिटरमिनेंट को सॉल्व करना. आई कैप के कोएफिशिएंट क्या आएगा, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू. आई कैप का कोएफिशिएंट हो गया प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट, ऐसे क्रॉस प्लस मैंने लगाया है जे कैप. तो याद रखेंगे ए थ्री बी वन पहले आ जाएगा, ए वन बी थ्री बाद में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री प्लस के कैप को फैक्टर ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. एक वेक्टर आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब करोगे तो क्या ये ऐसा ब्रैकेट्स लिखे रहेंगे, नहीं. ए वन एक वैल्यू है, बी वन एक वैल्यू है, ए टू एक वैल्यू है, बी टू एक वैल्यू है, ए थ्री एक वैल्यू है, बी थ्री एक वैल्यू है, मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे तो एक वैल्यू आएगी. सपोज जैसे ऐसे ही मान लिया, सपोज ये आ गया सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप, ये आ गया मान लो बराबर सी वेक्टर. भाई इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगी, प्लस आ सकती है माइनस आ सकती है जीरो आ सकता है, इसको भी सॉल्व करेंगे प्लस माइनस जीरो कुछ भी आ सकता है, इसमें भी वही. तो सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप एंड दैट विल बी सी वेक्टर. एक बात कंफर्म है कि जो सी वेक्टर आएगा अगर आप चेक करोगे तो वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा. और अगर आपसे ये कहे कि सी वेक्टर से ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बनाइए, तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर तो आ गया, किसी वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें उसके हर कोफिशियंट में, यानी आई कैप के कोफिशियंट में, जे कैप के कोफिशियंट में, के कैप के कोफिशियंट में, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपको यूनिट वेक्टर उसका मिल जाएगा जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा. क्लियर है? इसके एप्लीकेशन भी हैं, डॉट और क्रॉस जो दो वेक्टर्स का है उसके एप्लीकेशन भी हैं. जैसे देखिए क्या चीज, इतने तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से. इसके बाद देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऑफ वर्क डन अगर निकालना है तो हम स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते हैं. अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क कौन करेगा, फोर्स करेगा. वर्क कौन करेगा, फोर्स. जैसे देखिए
ये पार्टिकल है, बॉडी है मान लो एम मास की, क्लियर, एम मास की बॉडी है, ए पॉइंट पर है, और इस पर ऐसे करके फोर्स लगाए गए, एफ वन वैक्टर, एफ टू वैक्टर, एफ थ्री वैक्टर एंड सो ऑन। कम से कम एक फोर्स होगा, ज्यादा से ज्यादा कितने भी फोर्स हो सकते हैं, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। और ये पार्टिकल चला गया, यहां पर बॉडी है या पार्टिकल है कोई भी, बी पॉइंट पर, तो देखो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, कहीं तो ओरिजिन होगा ना, जहां से आप देख रहे होगे, आप क्या हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल पहले ए पर था, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल कहां पहुंच गया, बी पर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए बी वेक्टर, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, हुज डॉट प्रोडक्ट मींस वर्क डन मस्ट बी ए स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल है एफ वेक्टर, एफ वेक्टर बराबर होगा सारे वेक्टर्स का सम कर दीजिए, कम से कम एक वेक्टर होना चाहिए, एक फोर्स होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितने भी, सारे फोर्सेस का सम जितने भी हो, जैसे ये दिया हो मान लो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, इसी तरीके से तो आई कैप सब जोड़ देंगे, जे कैप जोड़ देंगे, के कैप जोड़ देंगे, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखिए, डी वेक्टर बराबर कैसे करेंगे, ए बी वेक्टर, यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर याद रखेंगे बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ये क्या चीज होती है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर कौन देखता है, ओ ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अब एक चीज और, अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो, फोर्सेस न्यूटन में हो, तो डब्ल्यू जूल में आएगा, लेकिन अगर फोर्स में खाली वेक्टर दिए हो, यूनिट ना दी हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए ए पॉइंट और बी पॉइंट की पोजीशन दी हो, पोजीशन वेक्टर दिए हो, लेकिन यूनिट ना दी हो, तो डब्ल्यू की भी कोई यूनिट नहीं आएगी, डब्ल्यू बराबर 40 यूनिट, 40 जूल नहीं लिख सकते, 40 यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट कुछ भी हो सकती है, जूल भी है, अर्ग भी है, तो इसलिए ये यूनिट सहित आप तभी लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, जब आपको सब कुछ यूनिट सहित दिया हो, ये मीटर में दिया हो और ये न्यूटन्स में दिया हो, या ये सेंटीमीटर में और ये डाइंस में दिए हो, तो वर्क डन अर्ग में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्लियर है। ये पहला एप्लीकेशन है देखा जाए डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस का एप्लीकेशन भी देखिए, जैसे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, मान लो सपोज एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, ये तो याद रखेंगे इसका एरिया, ये डायगोनल है लेकिन डायगोनल गिवन नहीं है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है आपको, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी ए आर ए डबल एल ई एल ओ जी आर ए एम बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, क्लियर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। और लेकिन अगर यही पैरेललोग्राम ऐसा बना हो और उसमें दोनों डायगोनल दिए हो, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, अब कह दे एरिया, अब आपको तो ये बी वेक्टर की ये बी वेक्टर कोई भी, दोनों में कोई भी, क्योंकि एरिया स्केलर है, मैग्नीट्यूड लेना है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो अगर डायगोनल्स गिवन हो तो एरिया बराबर होता है हाफ मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर डायगोनल्स गिवन हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, और अगर पैरेललोग्राम में साइड्स दी हुई है तो फिर आप उसका डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्लियर है। अगर ट्रायंगल बना हो मान लीजिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, मान लो ट्रायंगल बना हुआ है, अब एरिया निकालना है, एरिया बराबर होगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ट्रायंगल का एरिया है,
अगर उसकी दो साइड्स गिवन हैं तो ट्राइंगल का एरिया ये है, लेकिन हर जगह मैग्नीट्यूड लगाया क्योंकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप रोक करके नोट भी कर सकते हैं सारी चीजें, ये एरिया फिर ये एरिया फिर ये एरिया। एक चीज और देख लो, इन सब में साइड्स दी थी। बाय द वे ट्राइंगल ऐसे बना हो, मान लिया सपोज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस गिवन है, ये तो गिवन ही होती है क्योंकि वेक्टर जो है वो एक थ्री डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए मान लो ये एक ट्राइंगल बना हुआ है एबीसी, ये ट्राइंगल बना हुआ है और एबीसी के पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर कैपिटल ए वेक्टर, सपोज ऐसे ही, या एक मिनट एक्स वाई जेड कर दें, एक्स वाई जेड भी ना करें, पी क्यू आर कर दें, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, ऐसे ही लिखे हुए तीन पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट दिए हैं, मतलब वेक्टर नहीं दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स की पोजीशन, जैसे ये मान लो एक्स वन वाई वन जेड वन है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। इसका इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं मान लो एक्स टू वाई टू जेड टू, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। इसका पोजीशन मान लो इसकी दी हुई है एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पोजीशन होती है, कौन देखता है, ओ। पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, उस पॉइंट को मिला दीजिए ओ से और वेक्टर बना दीजिए तो अपने आप वो पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बी वेक्टर, सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इक्वल्स सी वेक्टर, दैट इज ओपी वेक्टर, दैट इज ओक्यू वेक्टर, दैट इज ओआर वेक्टर, क्लियर। देन एरिया बराबर ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया होगा क्या, हाफ मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये इस ट्राइंगल का एरिया होगा। हाफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये इस ट्राइंगल का एरिया होगा। क्लियर है। तो अगर पोजीशन वेक्टर दिए हो, पॉइंट्स दिए हो, मतलब वेक्टर ना बने हो पॉइंट्स बने हो, तो ये एरिया होगा। अब एक चीज और, अगर वेक्टर के पॉइंट आप उसे कभी भी ट्राइंगल बन जाए, मान लो ए वेक्टर, हमने कैपिटल हमेशा लिखा वेक्टर को, बुक्स में आपको स्मॉल भी गिवन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कैपिटल ही दिया हो। और उसके बाद यहां से ये मान लो बी वेक्टर है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, समझ में बात आ रही होगी। और उसके बाद आपने टेल से मिलाया तो ये आपका क्या था, सी वेक्टर, क्लियर। अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, आपने क्या पढ़ा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, ये थ्योरम ऑफ ट्राइंगल है। और बाई द वे कभी भी आपसे ये कह दे, चलो अभी बना रहे ना, क्लियर, अगर आपसे बाय द वे क्वेश्चन में कभी ये कह दे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ऐसे कह दे, तो याद रखेंगे इन दिस केस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो, ये वाले वाले में डिफरेंस है याद रखेंगे, इसमें ये सी वेक्टर है, उल्टा करोगे तो माइनस सी वेक्टर, लेकिन इन्होंने उल्टा ही सी वेक्टर दे दिया, क्वेश्चन ये अलग है ये अलग है। तो साइक्लिक ऑर्डर में अगर ट्राइंगल से तीनों वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएं तो उनका समेशन 100% किसके बराबर होगा, जीरो के। कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर होगा, अगर ये सी वेक्टर है तो ये माइनस सी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर होगा। और अगर माइनस सी वेक्टर को इधर ले आओगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। साइक्लिक ऑर्डर में अगर ट्राइंगल फॉर्म हो जाए तीन वेक्टर से तो उनका नेट, उनका रिजल्टेंट, उनका समेशन
100% किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर। इज दैट क्लियर? 11 की बुक को निकालेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आना है आपको, 11 की बुक निकालिए और उसमें वेक्टर जो आपका चैप्टर था पूरा एक एक लाइन पढ़ डालिए। काफी कुछ आपसे पूछा जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव चाहे तो उसके न्यूमेरिकल, बहुत बड़े सब्जेक्टिव की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले उनको कर डालिए। इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में शेयर करिए, तो अगर मेरे लाइक करने के लायक होगा हम बता देंगे, नहीं तो आपस में भी आप लोग पूछ सकते हैं। एक एक टॉपिक करके तैयार करिए। ये मैथमेटिकल का एक टॉपिक मैंने बताया वो डबल प्रोडक्ट तक था, ट्रिपल भी बता देंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है, डॉट भी ट्रिपल और क्रॉस भी ट्रिपल। लेकिन कुछ काम आपके लिए हम वैसे ही दे रहे हैं, तो वो दो चैप्टर, दो टॉपिक हो गया, उतना टाइम नहीं कि एक एक टॉपिक दिया जाए, दो टॉपिक आप लोग पूरा क्लियर करके रखेंगे और दोनों को आपको आपके पास बहुत अच्छे से बताया गया। क्या क्या? सबसे पहला इलास्टिसिटी, नोट करते जाइए, मैथमेटिकल थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं और कुछ आपको रिवीजन करना है, मैथमेटिकल आज ही रिवाइज करिए, इलास्टिसिटी। और दूसरा है ग्रेविटेशन। लेक्चर्स आपके पास हैं, नोट्स आपने बनाए होंगे आपकी कॉपी में, इलास्टिसिटी ग्रेविटेशन दोनों को जब पढ़े। इलास्टिसिटी को तो मैंने बहुत अच्छे से आपको लिखवाया हुआ है, पूरा का पूरा नोट्स आपके पास है, क्योंकि इलास्टिसिटी 11 से काम नहीं चलेगी, इलास्टिसिटी में 11 में तो बहुत कम है। यहां पर आपको कैंटिलीवर भी पढ़ना है, यहां पर आपको ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर भी पढ़ना है, तो वो सारे के सारे फार्मूले, क्वेश्चन, रिलेशंस, वाई के सिग्मा, वाई ईटा सिग्मा, के ईटा सिग्मा, वाई के ईटा, चार रिलेशन, सिग्मा की थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू, सिग्मा की प्रैक्टिकल लिमिटिंग वैल्यू, कैंटिलीवर के न्यूमेरिकल, कैंटिलीवर में एक साइड में फिक्स करते हैं दूसरे में, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो फार्मूले, रेक्टेंगुलर बीम होगी तो उसका डिप्रेशन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बीम होगी तो उसका डिप्रेशन, उसमें रेशियो क्या होता है, एक टर्न में, एक टाइम में सारा का सारा क्लियर। इलास्टिसिटी और ग्रेविटेशन को रिवाइज कर डालिए, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमसे पूछेंगे दोनों में। ग्रेविटेशन पूरा का पूरा आपके पास जो भी है वो 11 क्लास में है, ठीक है। ग्रेविटेशन के लिए आपके पास वीडियोस भी हैं बीएससी फुल बैच में, और इसके अलावा 11 की बुक को खोल करके इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इलास्टिसिटी को आप पढ़ेंगे कॉपी से जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है, क्लियर। ये दो टॉपिक करिए, कल इसके आगे बताएंगे और आपको दो टॉपिक और देंगे, पूरे वीक में रिवीजन चलता रहेगा। लेकिन रिवीजन जो नहीं कर पाएंगे वो फिर अलग बात है, फिर तो उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक करिए अभी आज से कल तक, और प्लस में मैथमेटिकल ये पूरा करिए, इसके आगे फिर आपको नेक्स्ट टाइम में।